मम्मा जी को मारी पता भाई के रैफर की जरूरत मर्जी इन्हों की थोड़ा समझा दियो जी इन्होंने हमें घेर लिया। मम्मा तो कह रही थी कि रेफर भी ले जाओ बाजी मैं कहा बाजी का पूरा तैयार करके भेज दी। ये सुन रहे हो बात सुनो गौर से। सही टेप लगाई हुई है। ये जी हमारा कैंप आ गया। आज पापा जी इधर सोना है फौजी कैंप। आज जी फौजी कैंप में हमने सोना है जी। तो गुड मॉर्निंग, फाइनली जी हम उठ चुके हैं सुबह सुबह 7 बजे। चेक करो जी हम कैसे माहौल में सोए हुए थे रात पूरी। भाई इधर से कभी किस जानवर की आवाज़ और कभी किस जानवर की आवाज़। बड़े हम लोग तंग आ चुके थे। शुक्रिया जी मैंने कोई नहीं करनी, इन्होंने बाबा जी मैंने सेट सुट देना। ये जो जी नेजे वगैरह चलाते हैं हॉर्स पे, ये वो हॉर्स हैं इन्होंने जी ये रखे हुए हैं, इनको पालते शालते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। यार आज काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है। हम लोग काफी बिजी थे घर में, बहुत काम शाम चल रहे थे और अम्मा जी आज सैड हैं। अम्मा जी के अब्बा जी, ओहो हमारे अब्बा जी, अम्मा जी के हस्बैंड जी जा रहे हैं शिकार पे और अब्बा जी ने सिर्फ और सिर्फ करवाई है अली को ऑफर। और अली अब कपड़े शपड़े पैक करवा रहा है, अली अब निकलने लगा। अब्बा जी बाहर वेट कर रहे हैं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। मम्मा जी वो कहता ना शाहत है साइड दे आंदा अली ने भी शिकार कुरस का दिया। वैसे शिकार करने का तो आपका दिल था, आपने तो कहा था मैंने हिरन मारना है। मैंने तो पूछा ही नहीं था। ओ जाना है कि नहीं जाना। अब मेरी आ गया सैला ने मौका दिया। चलो जी भाई अब हम लोग लेट हो रहे हैं। ठीक है अम्मा जी रेफर लेके आनी है। नहीं नहीं रेफर उधर है। मम्मा जी को मारी पता भाई के रेफर की जरूरत है। मर्जी इनहां दी थोड़ा समझा दियो, मां नु भी किसे पासे ला लिया करो, एको थाते जाम कीती पई है। ले जाएंगे इंशाल्लाह। मैं जी मुझे वापस आंदे फिर हम लोग बाहर जाएंगे। डन ना बाहर जाए। मैं शादी आ गई है मेरे नाल मेरी फूफी दे पुत्र दी। हां यार हमारी एक शादी आ रही है, वो इंशाल्लाह आपको शादी भी है। मैं आज बाजार जाना दी देंगे। तुसी आज 70 रुपए शिकारा ते शिकार मैं शिकार जरूरी है आपके लिए लेके नहीं आनी हमने खुराक आपकी। मुर्गियां कित्थों लै जांदियां ने उत्ते रखनी ऊपर मुर्गियां रखी हैं। अच्छा हां तक लगा बोतियां वाली मुर्गियां बढ़िया सो। अच्छा जी चलो यार वो फिर अब आपको आके दिखाएंगे। अम्मा जी टाइम कोई नहीं है, अब्बा जी ने मुझे गालियां निकालनी है। बाय 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 अल्लाह खैर ना जाओ। ओके तो हम लोग आ चुके हैं। हां जी पापा जी क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। किस चीज का शिकार करने जा रहे हैं? देखो जो नसीबों में हुआ। अम्मा तो कह रही थी कि रेफर भी ले जाओ अब्बा जी, मैं कहा अब्बा जी का पूरा तैयार करके भेज दी। उसने ये नहीं कहा, पूछते भी नहीं चले जाते। उसने कहा ना अम्मा ने, अम्मा कहती मुझे कहीं पे लेके नहीं जाते भी लोग भी हैं। कहती मैं सारा दिन घर पे रहती हूँ, आप लोग ही समझाओ कुछ इनको। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और ये जी गाड़ी शाड़ी पार्क कर दी है और ये जी भौंक रहे हैं किधर ने रे बाज आ जाओ मेरे पुत्र बनो। वो सामने भी आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। बाबा जी इन्होंने हमें घेर लिया। फौज आ गई है हमारे पीछे पीछे है फौज जी। तो गाइस इधर तो मुझे भाईजान कौन सा शिकार आ रहा है इधर? इधर हाँ जी बटेरे बटेरे, ये जो आवाज आ रही है। अच्छा जी आसमान चेक करो जी कितना साफ सुथरा, वाह वाह वाह। ठीक
जी तो गाइस जैसा कि आप लोग आवाज या सुन रहे हो, बात सुनो गौर से। टेप लगाई हुई है। ये जी हमारा कैंप आ गया। आज पापा जी इधर सोना है, फौजी कैंप। आज जी फौजी कैंप में हमने सोना है। हाँ जी पापा जी, कैसी टेक्निक है? पाकिस्तानी जुगाड़। पाकिस्तानी जुगाड़। ये जी फीमेल की इन्होंने आवाज रिकॉर्ड की हुई है। मेल तो आके सुबह सुबह आए, इधर आके बैठ जाए, फिर ये पकड़ लें। तो जी अब हम लोग जा रहे हैं वापस डेरे पे। अब्बा जी कह रहे हैं मुझे इधर भाई कैंप में नींद कोई नहीं आनी, तो ये जी बिस्तर वगैरह उठाए हुए हैं। और जी काफ़ी सर्दी है इधर, और ये मैं बैग शैक लेके आया हुआ था, धुआं भी निकला भाई मुंह से। तो अभी हम लोग चलते हैं वापस और जी डेरे में जाके सोते हैं। उसके अलावा सुबह उठेंगे, सुबह देखेंगे भाई बटेरे कोई फंसे फुसे हैं या फिर नहीं। अगर तो फंसे होते हैं भाई फिर खाएंगे मज़े करेंगे, अगर नहीं तो हमारी किस्मत, फिर सुबह हम लोग वैसे ही वापस जाएंगे लाहौर, बैक टू लाहौर। लेकिन आज आपका भाई सारे रास्ते बोर होता रहा। आज के बाद जी आना है तो मैंने अब्बा जी के साथ अकेले आना है। अगर अब्बा जी का कोई दोस्त हुआ तो मैं भी अपना दोस्त लाजमी साथ लेके आऊँगा, ताकि मुझे कोई ना कोई कंपनी मिलती रहे और मुझे अब्बा जी और वो अब्बा जी के दोस्त आपस में लगे रहे, और मैं पीछे बैठा ऐसे ही देखता रहा हूँ उनको, उनकी बातें सुनता रहा हूँ। A few moments later, देखते हैं जी अब क्या बनता है जाते हुए वापस। जाग गई है। डॉग आर्मी। अभी बज रहा है 1 और वो जी बोल रहे हैं कि सुबह 5 बजे शिकार होता है। और इस टाइम पे जी हम लोग तो फुल थके हुए थे, मैं और पापा, तो हम लोग आ गए हैं जी डेरे पे। अब हम लोग जी इधर सोने लगे हैं कोई 3-4 घंटे, फिर सुबह उठेंगे। फिर सुबह उठ के जी मैं आपसे मिलता हूँ, देखते हैं जी बटेरे शटेरे फंसते हैं अगर कोई नहीं, कोई शिकार शिकूर होता है या फिर नहीं। तो ये जी अभी 4 पई वगैरह पई हमने लगा ली हैं मच्छरदानियाँ, तो इसके अंदर जी आज फुल देसी माहौल में हम सोएंगे। The next day. जी तो गुड मॉर्निंग, फाइनली जी हम उठ चुके हैं सुबह सुबह 7 बजे। चेक करो जी हम कैसे माहौल में सोए हुए थे रात पूरी। भाई इधर से कभी किस जानवर की आवाज़ और कभी किस जानवर की आवाज़, बड़े हम लोग तंग आ चुके थे। शुक्र है जी अब सुबह हुई है, उठ गए हैं। अब उठ के कोई नाश्ता वाश्ता करते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, शूज़ वगैरह मैं पहन लूँ, फ्रेश वगैरह होते हैं। रात को जी शिकार किया, सिर्फ और सिर्फ 2 बटेरे आए हैं हाथ में। मैंने कहा ये अम्मी का खाने हैं, आप ही खाओ। तो भी जी फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मैं फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, जैसा कि फ्रेश होके भी मैं आपको वैसा ही लग रहा हूँ। इधर मैं गया हूँ वॉशरूम में, और वॉशरूम में जी मेरा दिल ही नहीं किया फ्रेश होने को, समझ आओ अब आप। भाई गांव का माहौल ऐसा ही होता है, तो इसीलिए मैंने अब्बा जी को रोला डाला है जी, चलो चलें चलो चलें चलो चलें। तो अब्बा जी कहते हैं अब आए हो तो फिर चले ही जाते हैं। शौक शौक में मैं आ तो गया हूँ गाँव, लेकिन जी मैं पछता रहा हूँ। इस टाइम पे दोस्त वगैरह होते, भाई वगैरह होते, और पापा अगर अकेले होते तो पापा के साथ भी मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, बट जी पापा अपने दोस्त को टाइम दे रहे हैं, सो इसलिए आपका भाई अकेला रह गया है। जी ये कोई बैंसे वगैरह बांधी है। ये जी गाँव का माहौल, गाँव का माहौल जी होता तो वैसे काफ़ी मज़े का है, लेकिन इधर का जो इन्वायरमेंट है वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि रहने में आसानी हो। इंसानों ने रहना है, जानवर तो इधर भी रह लेते हैं। तो ये जी सोलर वगैरह भी लग गया जी, वाह, जब टेक्नोलॉजी आ गई है गांव तक तो जी इन्वायरमेंट क्यों नहीं साफ़। मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक चीज़, तालाब बना हुआ नहाने के लिए,
जिस चीज का शौक है जी, ट्यूबवेल पे नहाने का, तालाब में नहाने का, वो आ जाए इधर। ये ट्यूबवेल भी है, तालाब भी है। ये सामने गन्ने शन्ने लगे हुए हैं, ये इधर भी गन्ने शन्ने लगे हुए हैं वो सामने। तो जी अब निकलते हैं, चलते हैं, देखते हैं जी क्या सीन है क्या नहीं है जी। एक पापा के दोस्त हैं, वो जी कहते हैं कि हम वीडियो में नहीं आ सकते, उनका जी ज़रा सीन वैसा है, बैड सीन है, तो इसलिए मैं जी सही तरह से उधर भी नहीं व्लॉग शूट कर पाया। ये इन्होंने जी डेरे में रखे हुए हैं ये घोड़े शोरे। तो अभी वो कह रहे हैं जी भाई हॉर्स राइडिंग आपने करनी है, मैंने कहा जी मैंने कोई नहीं करनी, इन्होंने बाबा जी मैंने सेट सूट देना। ये जो जी नेजे वगैरह चलाते हैं हॉर्स पे, ये वो हॉर्स हैं, इन्होंने जी ये रखे हुए हैं, इनको पालते शालते हैं। जी तो गाइज मेरा भी सीन बन चुका है, मैंने हॉर्स राइडिंग करनी है, ये अभी भाई कर रहे हैं, तो अभी मेरी बारी है। पहले मैं डर रहा था कि जी मुझे ये फेंक देगा, क्योंकि इसको बहुत मस्ती आई हुई थी। और चेक करो जी, सुबह सुबह का टाइम है, रात पूरी सोए हैं घोड़े, अभी फ्रेश हैं। तो जब सुबह सुबह उठा था, लेटियाँ शेटियाँ मार रहा था, तो मैं डर गया था। अभी जी ये भाई उतरते हैं, तो फिर मैं बैठता हूँ, चेक करते हैं कि हॉर्स राइडिंग होती है कि नहीं होती। भाई उनसे मैंने तो करनी है सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम मैंने कराची में की थी, अभी सेकेंड टाइम जी मैं करूँगा इधर। A few moments later. ज्यादा नहीं खींचना, मेरी तरफ बहुत गौर से एक बहन से देख रही है और मुझे कह रही है आ आ आऊं। इसने मुझे मारनी है टक्कर, मुझे इसके अंदाज से पता चल रहा है। ओके हाँ जी, मैं पुत्र बहुता सियाना तेरे तो, तेरी अखा च पाल लिया सी। भाई देख लो, बड़ी ना ये चलाक होती है, मासूम गाय हैं, मासूम गाय। जी पापा जी कैसा शिकार, शिकार कैसा? आप तो सो गए, मैं तो कुछ भी नहीं सोया। मैं भी उठा हुआ था। नहीं, नहीं नहीं, मैं भी यार उठा ही रहा हूँ, लेकिन मैं ज्ञान नहीं होता। इधर खुद ही उधर ही बनाए हैं, उधर ही बनाए थे इधर। ये जी शिकार किया था, ये बटेरे छोटे छोटे, वैसे किया जुलम ही है। ये शेर भी आ गया। ये शेर भी आ गया भाई, वो घोड़ा खड़ा हुआ जिसपे आपके भाई ने राइड ली है अभी। अब जी नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर लाहौर निकलते हैं जी, फिर आपसे मिलते हैं। 3 hours later. जी तो गाइज हम लोग अपना शिकार शिकूर खा के फ्री हो चुके हैं, और अब जी हम लोग निकल रहे हैं लाहौर वापसी। पापा गए हुए हैं जी ज़रा अपने फ्रेंड के घर, और जी मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। पापा ने कहा आ जाओ, लेकिन मैंने कहा मैंने कोई नहीं आना, मैं जी बाहर वेट करूँगा, बाहर वेट करूँगा जल्दी आप, ताकि फिर आ जाओ। अगर तो मैं ना वेट करूँ, अंदर आपके साथ आ जाऊँ, तो फिर हम बैठे रहेंगे अंदर। तो अब ये गाड़ी शाड़ी हमारी साफ हो रही है, अब हमने इस पे नहीं जाना, अब हमने जाना जी इस गाड़ी पे। तो अभी जी आते हैं, फिर हम निकलते हैं। बाकी जी मुझे कोई मज़ा नहीं आया शिकार शिकूर का, फ़ायदा कोई भी नहीं है भाई, जलालत है, खज्जल खराबी है। इससे अच्छा बाहर जाओ, बाहर से जाए कोई आप चीज़ परचेज करके ले लो शिकार का। हाँ कुछ लोगों का शौक होता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं शौक, बिल्कुल भी नहीं शौक, समझ तो आप गए हो गए। और जी अब निकलते हैं फिर घर चल के जी, माँ जी से मिलते हैं। माँ जी को कहते हैं तुहाड़ा पुत्र ने बहुत वड्डी गलती की, जा के नहीं सी जाना चाहिए था। जी तो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और मेरी पाली पाली दुआ भी आ गई है। आप क्यों नहीं गई साथ? हाँ मूसा भैया की तरह छोड़ के चले गए मूसा भैया। मूसा भाई भी गए पे, अपनी नानों तरफ गए होंगे।
तो जी इधर ही हम व्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ जी। सोया कोई नहीं हूँ उधर, बस एक दो घंटे सोया था। तो जी हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले हर न्यू व्लॉग मिलते रहें। ओके उधर उधर करो। ओके 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 तो जी अल्लाह हाफिज़।